फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर बबिता एस अरोड़ा, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट आस्था हेल्थ केयर दिल्ली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिस्ड अबॉर्शन के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है मिस्ड अबॉर्शन, क्यों ये पर्टिकुलर नाम दिया गया है इस अबॉर्शन को, क्या हम मिस्ड अबॉर्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं मिस्ड अबॉर्शन के, कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द मिस्ड अबॉर्शन and what finally has to be done if you are diagnosed with missed abortion. तो सबसे पहले हम जानते हैं what is missed abortion. क्या कुछ अलग symptoms हैं या कुछ अलग है इस abortion में जिसको हम simply एक miscarriage या एक abortion ना कह के missed abortion के नाम से जानते हैं। तो जैसे नाम ही हमें बता रहा है कि कुछ miss हो गया है, यानी कि पेशेंट को लग रहा है कि प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, बट अचानक से जब रूटीन अल्ट्रासाउंड हुआ और उसमें हमें मिला कि बच्चे की ग्रोथ तो पहले ही रुक चुकी है, इन दैट केस द डायग्नोसिस इज मेड एज मिस्ड अबॉर्शन। यानी कि जब आपका फर्स्ट डेटिंग स्कैन हुआ एट अराउंड 7 to 8 weeks, उसमें सब ठीक चल रहा था, बेबी की ग्रोथ वॉज फाइन, धड़कन भी आ गई थी एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी स्मूथ। उसके बाद आपको कोई सिम्टम्स महसूस नहीं हुए, यानी कि जो रूटीन अबॉर्शन के सिम्टम्स होते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ब्लीडिंग, कभी कभी हेवी ब्लीडिंग, नौजिया, वॉमिटिंग, इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपने कभी फील नहीं किए। जब आप अपने रूटीन लेवल 1 अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपसे बताया कि बच्चे की ग्रोथ 2 to 3 weeks पहले ही रुक चुकी है। सो व्हेन द प्रेगनेंसी स्टार्टेड, the embryo was growing normally, but after certain period of time the growth stopped. अब वो ग्रोथ कब रुकी हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि सिम्टम्स तो थे ही नहीं। सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज अ मिस्ड अबॉर्शन। वट कैन बी द कॉजेज ऑफ अ मिस्ड अबॉर्शन? मोस्ट ऑफ द टाइम्स द कॉजेज आर जस्ट द सेम एज द कॉजेज फॉर अ नॉर्मल अबॉर्शन। सो इन मोर देन 50 to 75% of the cases, this is because of the genetic abnormalities in the embryo. यानी कि जैसे जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ बनते हैं, फॉर example, बहुत सारी बुक्स एक साथ पब्लिश हुई, प्रिंट होने के लिए जब गई तो किसी भी एक पेज पे कुछ प्रिंटिंग एरर आ सकता है। ऐसे ही जब एम्ब्रियो बनता है तो जब स्पर्म और एग फाइनली अंडरगोज फर्टिलाइजेशन तो उनमें कुछ क्रोमोसोमल एरर्स हो सकती हैं। जब स्पर्म बना उसमें कोई एरर हो सकती है, जब एग बना उसमें कोई एरर हो सकती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बना उसमें भी कोई एरर हो सकती है। सो ये सारी जो क्रोमोसोमल एरर्स या जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज़ हैं, दिस इज़ बियॉन्ड आर कंट्रोल। उसमें ना तो पेशेंट कुछ कर सकता है, ना ही डॉक्टर कुछ कर सकता है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये नेचर का रूल है कि कोई भी ऐसा एम्ब्रियो विच इज़ नॉन वायबल फर्दर, या कोई भी ऐसा फीटस जो आगे जाके इज़ नॉट कंपैटिबल टू लाइफ, या क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा हैम्पर्ड रहेगी, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के अकॉर्डिंगली ये एम्ब्रियोज की ग्रोथ कुछ टाइम के बाद अपने आप रुक जाती है। सो एक तरीके से ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी है कि जो एम्ब्रियो बन रहा था वो नॉर्मल एम्ब्रियो नहीं था और इसीलिए नेचर ने उसकी ग्रोथ रोक दी एंड यू हैव फेस्ड अ मिस्ड अबॉर्शन। ज़रूरी नहीं है कि अगली प्रेगनेंसी में भी ये दोबारा रिपीट होगा। सो द मोस्ट कॉमन कॉजेज जेनेटिक और क्रोमोसोमल एनोमलीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉजेज मेटर्नल फैक्टर्स, यानी कि मदर में कोई इन्फेक्शंस, हॉर्मोनल इम्बैलेंस, अनकंट्रोल्ड शुगर, PCOD, प्रोजेस्टेरॉन की कमी या एक्सेसिव वेट, इन सारे रीजंस में भी कभी कभी मिस्ड अबॉर्शन हो सकता है। वेरी रेयर केसेस में ऑटो इम्यून या ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स भी देखे जाते हैं। ऑटो इम्यून यानी कि मदर की अपनी इम्यूनिटी ही जो एम्ब्रियो अंदर बन रहा है उसे फॉरेन मटेरियल समझ के उसी के अगेंस्ट काम करेगी और उसे अंदर ग्रो नहीं करने देगी। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स में बच्चे के पास सडन ब्लड फ्लो रुक जाएगा और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इन सारे ही कॉजेज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं और
पहले से प्रिवेंट भी कर सकते हैं, यानी कि सम ऑफ द कॉजेज ऑफ मिस्ड अबॉर्शंस कैन बी प्रिवेंटेड। अब हम जानेंगे कि मिस्ड अबॉर्शन के सिम्टम्स क्या होंगे। तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में मिस्ड अबॉर्शंस के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। कभी कभी अगर एक्सपेक्टेंट मदर बहुत ज़्यादा विजिलेंट है तो उसे महसूस हो सकता है कि जो पहले प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थे वो अब धीरे धीरे फेड अवे हो गए हैं। यानी कि पहले बहुत नौजिया था, वॉमिटिंग था, टेस्ट एवर्जेंस थे, जो अब नहीं है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में लाइट ब्राउन डिस्चार्ज या स्पॉटिंग हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में कोई भी सिम्टम्स नहीं रहते हैं। हाउ टू डायग्नोज अ मिस्ड अबॉर्शन? मोस्ट ऑफ द केसेस में हम मिस्ड अबॉर्शंस को अल्ट्रासाउंड की हेल्प से ही डायग्नोज करते हैं। तो जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे उसमें बेबी की ग्रोथ एज़ पर द LMP जितनी है उससे कम मिलेगी और बेबी की कार्डियक एक्टिविटी नहीं मिलेगी। कभी कभी मिस्ड अबॉर्शन को हम beta-HCG लेवल से भी डायग्नोज कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग वीक्स में जनरली beta-HCG डबल्स इटसेल्फ इन एवरी 48 आवर्स। तो अगर जब हम रिपीट beta-HCG कर रहे हैं, यानी कि हमने beta-HCG के दो टेस्ट किए एट एन इंटरवल ऑफ 48 आवर्स, तो beta-HCG की वैल्यू इंक्रीज होने की बजाय कम हो गई है। दैट ऑल्सो इंडिकेट्स एन अबॉर्शन। तो डायग्नोसिस के लिए इधर वी कैन यूज़ एन अल्ट्रासाउंड और वी यूज़ beta-HCG लेवल्स। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर डायग्नोज्ड विद मिस्ड अबॉर्शन। सो जनरली जब किसी पेशेंट में मिस्ड अबॉर्शन हम डायग्नोज करते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक द पेशेंट अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड एंड नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो वंस वी आर श्योर ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ मिस्ड अबॉर्शन, we are left with only one option, that yes, we have to terminate this pregnancy. That means the baby has already died inside the womb, but still it's inside. So we have to clean the uterus. So we are left with two options. One is medical abortion, the second is surgical abortion. Most of the cases mein hume DNC ki hi zarurat padti hai, kyunki jab bhi hum pills denge तो कई बार हम पिल्स का फेलियर भी देखेंगे। बट इन सम पेशेंट्स पिल्स की हेल्प से भी अबॉर्शन का प्रोसीजर कंप्लीट किया जा सकता है। दैट यू हैव टू डिस्कस विद योर डॉक्टर, और केस टू केस डिपेंड करेगा कि किन पेशेंट्स में पिल्स दी जा सकती हैं और किस में DNC इज़ द ओनली ऑप्शन। तो आज की वीडियो के बाद वी हैव अंडरस्टूड दैट मिस्ड अबॉर्शन और साइलेंट मिसकैरेज, हम मिस्ड अबॉर्शन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें इसके कोई सिम्टम्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। द ग्रोथ ऑफ द बेबी हैज स्टॉप्ड इनसाइड एंड वी स्टिल डोंट नो इट। सो द डायग्नोसिस इज जनरली मेड बाय द अल्ट्रासाउंड। एंड वंस यू आर डायग्नोज्ड विद मिस्ड अबॉर्शन, व्हाट नीड्स टू बी डन नेक्स्ट, यू नीड टू डिस्कस विद योर डॉक्टर इन डिटेल। बहुत परेशान नहीं होना है। और अगर पहले आपकी प्रेगनेंसी में आप मिस्ड अबॉर्शन फेस कर चुके हैं तो अगली प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप अपने डॉक्टर के पास एक प्री कंसेप्शनल विजिट ज़रूर करिए, ताकि जो प्रिवेंटेबल फैक्टर्स हैं उनको पहले से ट्रीट किया जा सके। इसके बाद भी अगर मन में कुछ क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।